मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कमजोर, गरीब, मजलूम, नौजवान, माताओं बहनों के सम्मान के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। आपका चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से जय भीम का नारा लगा के सड़कों पर धाड़ता था, ऐसे ही जय भीम का नारा लगा के महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए और आपके हक अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएगा, इस बात के लिए भी मैं संकल्पित हूँ। मैं अपने साथियों को आदेश के तौर पर या विचार के तौर पर या भविष्य की रणनीति के तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो आज से ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। तो मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, और मैं वचन देता हूं कि जब तक चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में हैं, संविधान को छू भी नहीं पाएगा, बदलना तो बहुत दूर की। तो हम भी चाहते हैं कि हमें सम्मान की जिंदगी मिले, घोड़ी पे बैठने, मूछे रखने, मटके छूने पे किसी की हत्या ना हो, किसी की बारात ना रोकी जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी पे पेशाब ना किया जाए। 19 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, हमारे वोट पड़े और उसके बाद बहुत सारे फेसों के चुनाव हुए। मैंने आपसे चुनाव के बाद ये वादा किया था कि मेरा अनुभव ये कहता है कि हम लोग चुनाव जीत गए और 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तब कुछ लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने कोई भविष्यवाणी जो की, जो मैंने अपनी बात रख के अपना जो विश्वास जाहिर किया था, वो भविष्यवाणी नहीं थी, ना वो ज्योतिष था, लेकिन वो कुछ था तो वो ये था कि मुझे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, जो जनपद बिजनौर के हैं, जो नगीना लोकसभा के हैं, और साथ साथ जो देश भर से हमारी यूनिट वहां आई थी उन पर मुझे भरोसा था। तो मैं सर्वप्रथम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। और जहां 100-100 साल पुरानी पार्टियां, 50-50 साल पुरानी पार्टियां हैं, बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठों के दल हैं, वहां आपने अपनी मेहनत से जो है ये चुनाव जीतकर स्पष्ट कर दिया कि आप किससे कम नहीं। उसके साथ साथ मैं नगीना की महान जनता का दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जो वादा मैंने आपसे किया है, मैं अपनी जिंदगी अंतिम क्षण तक, मैं पैदा भई सहारनपुर में हूं लेकिन मुझे अवसर जो है काम करने का वो आपने दिया है, मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं, और जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस रहेगा, लोगों का आखिरी कतरा रहेगा, मैं नगीना के सम्मान के लिए, बिजनौर जिले के सम्मान के लिए, अपनी माओ बहनों के अधिकार तरक्की के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, वहां रहने वाले दलित पिछड़े मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और तमाम सामान्य जाति के लोगों ने भी मुझे वहां वोट किया, मैं उन सबसे विश्वास दिलाता हूं कि नगीना मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं और किसी से भी टकराना पड़े, अगर मुझे आपके अधिकारों के लिए किसी ईश्वर से भी टकराना पड़ेगा तो मैं टकरा जाऊंगा, ये बात का मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन जब बात आपके अधिकारों की आएगी तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूं क्योंकि इतने फोन आ रहे हैं, एक फोन उठाता हूं तो उसकी बात 7-8 फोन आते हैं उसी एक मिनट में, मैं ज्यादा जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं जल्द आपको खुद ही फोन करूंगा या आपको जवाब दूंगा। बहुत सारे लोग मिलने आना चाहते हैं, मैं उनको भी रोकूंगा क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई अब शुरू होंगी, वो कागजी कार्रवाई मुझे करनी है, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कहीं ना मुझे ढूंढे भी, मुझे थोड़ा सा काम निपटाने दें। और जो लोग फोन कर रहे हैं फोन का जवाब नहीं मिल पा रहा, मैं उनसे माफी चाहता हूं, मैं विश्वास दिला कहता हूं मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी समय की दिक्कत है क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो फोन नहीं अटेंड करता, जब फोन अटेंड करता तो लोगों से नहीं मिल पाता हूं, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूं जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे और मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन आपकी सबकी मंगल कामनाएं मुझे मिल रही। आपका चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से जय भीम का नारा लगा के सड़कों पर धाड़ता था, ऐसे ही जय भीम का नारा लगा के महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए और आपके हक अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएगा, इस बात के लिए भी मैं संकल्पित हूं। साथ साथ जो देश भर से साथी जिन्होंने वहां मुझे चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचे, मैं उनका ऋणी हूं,
उन्होंने बहुत मेहनत की, ईद पे भी घर नहीं लौटे और तमाम त्योहार पे, घर में परेशानियों पे, तमाम तरह की समस्या आई, लेकिन वो कभी घर नहीं भी लौटे। उन्होंने एक एक दिन जो है अपनी इस जंग में दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनके परिवारों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके बिना, उनके परिवारों के सहयोग के आसान नहीं था उनका वहाँ काम करना। जो लोकल के जो है नगीना लोकसभा के हमारे नेतागण है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो अन्य पार्टियां छोड़ के हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन सबकी मेहनतें मेरी अकेले की नहीं है। मैं भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी और तमाम हमारे साथी जो हैं, जो हमारे सचिव हैं, तमाम सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों का धन्यवाद देता हूँ, जिले से लेकर मंडल तमाम पदाधिकारी धन्यवाद देता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि एक पैसा आपने जुटाया, हर प्रदेश ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया चुनाव लड़ाने के लिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी मेहनत को और आपके सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। एक और बात जो मेरे दिल में है वो ये है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कई स्टेटों में उपचुनाव होंगे। मैं अपने साथियों को आदेश के तौर पे या विचार के तौर पे या भविष्य की रणनीति के तौर पे कहना चाहता हूं कि वो आज से ही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। हमें अन्य अन्य स्टेटों में भी, वहां के सदनों में भी, जो असेंबली के सदन है, अपनी मजबूत आवाजें भेजनी है, तो अभी से वो अपनी बूथ कमेटियां बनाना शुरू कर दें जहां उपचुनाव होंगे। ये मेरा आपको आग्रह और निवेदन है कि अब आप कमर कस लें, आप किसी के भरोसे ना रहें। और जब नगीना के लोग कर सकते हैं तो देश भर के लोग कर सकते हैं, हर स्टेट के लोग कर सकते हैं, हर जिले के लोग कर सकते हैं, प्रदेश मंडल के लोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बस काशीराम साहब की उस बात को मानना है, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। मैं आज एक इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी महापुरुषों को भी याद करूंगा, महान मानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर ईवी रामासाई स्वामी नायकर, पैरल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, उनके साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज, उनको भी मैं नमन करता हूँ। माननीय काशीराम साहब को मैं नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूँ। उनके साथ साथ संत राम बी ए प्रजापति, महामना राम सुब वर्मा, बाबू महाराज सिंह भारती, संत राम बी ए प्रजापति, मैं इनको भी नमन करता हूँ। सभी वीरांगनाएं जो हुई हैं हमारी, चाहे वंतिका बाई लोधी हो माँ, चाहे झलकारी बाई हो, चाहे और हमारी जो है वीरांगनाएं हुई, चाहे फूलन देवी, सभी को भी मैं नमन करता हूँ। मैं मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूँ। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे भाइयों, जब नगीना कर सकता है तो आप भी करते हैं। बस तमन्ना अगर सच्ची हो तो बहाने हजार होते हैं, झूठी तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। बस अपने मन में संकल्प करो, बिना राजनीतिक ताकत के कैसे लड़ोगे। और जो देश में हमारे लोग रहते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, बहुजन आंदोलन कभी नहीं मरेगा, महापुरुषों के सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। बस उनको सींचने वाले लोग चाहिए जिनके अंदर संकल्प हो, जो ठहर सकते हो, जो धैर्य रख सकते हो, जिनमें आलोचना सहने की, जिनमें अपमान सहने की हिम्मत हो, जिनके अंदर बल हो कि वो अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित करें। मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कमजोर, गरीब, मजलूम, नौजवान, माताओं बहनों के सम्मान के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और दुनिया की कोई ताकत मुझे आपके हक अधिकारों को आप तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों, चाहे और कोई ऐसा अधिकार हो जो संविधान ने आपको दिया लेकिन सरकारों ने ना आप तक नहीं पहुंचने दिया। जो जुर्म जाति होती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस हिंसा को रोकने के लिए भी जितनी मेरे अंदर ताकत है उतनी ताकत लगाएंगे। और भविष्य में आप अगर जिस तरह से एक गठजोड़ बना के आप नगीना मेरी मदद की, अगर यही मदद आप स्टेट में करेंगे, अन्य अन्य स्टेटों में करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि बहुत काम करने वाले, संघर्षशील, समर्पित लोग पार्लियामेंट और असेंबली जाएंगे और आपकी ताकत बनेंगे। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये मैं जगह भी पढ़ूंगा, मैंने कुछ चीजें उठा के रखी थी कि काम आएगी। इसका नाम है किछोदा, अंबेडकर नगर विधानसभा टांडा, और यहां से चुनाव में मदद के लिए कुछ आया था। अगर आप देख पाए
तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी, ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है, इसमें 50 का भी नोट है, इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जब उनकी हालत आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने हाथों से निकल के आए। ये मेरी माओ बहनों के पसीने के, उनके संघर्ष के कमाए हुए पैसे हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे नोट हैं, ये गांव से इकट्ठा हुए मेरे चुनाव को, मैं अमीरों का मुकाबला करने के लिए, चंद्रशेखर अमीरों का मुकाबला, इनके हालात देखो आप, ऐसा लगता है बहुत सारे हाथों को के निकले। ये मेरी माओ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बड़ों के पसीने से कमाया हुआ पैसा है जो उन्होंने मुझे दिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। ये देखिए, ये नोट अपने संघर्ष की दास्तां खुद कह रहे हैं कि कितने पसीने वाले हाथों से गुजर के आए। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है, जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो निकाल। और ये जो सिक्के हैं, ये इस बात का उदाहरण है। अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का भी सिक्का है। ये देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है। इस तरह के बहुत सारे सिक्के उन्होंने भेजे और ये मुझे बताया गया कि गाँव से मेरे लिए इकट्ठा हुए थे। और ये है कंवई अजनपुर विधानसभा, आलापुर अम्बेडकर नगर। ये छोटी पोटली जो है मैंने रखी है, एक एक पैसे का मैंने हिसाब बनाया है जिन्होंने भेजे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत मदद की मेरे कर्मचारी साथियों। अब आप चिंता मत करो, आपके सारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, ये किसी इस गाँव से आए हुए पैसे हैं, इसमें भी इसी तरह के पैसे हैं, और ये नोट इस बात की गवाही है कि ये धन्ना सेठों का नहीं, ये मेरे माओ बहनों के भट्टों पे, कोलू में, खेतों में मजदूरी करके कमाए हुए पैसे हैं जो उन्होंने मुझे इस महापुरुषों की लड़ाई को लड़ने के लिए दिए। उससे बहुत लोगों ने कहा कि समाज साथ बात नहीं देता, समाज को फायदा चाहिए, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता तो समाज उसको वो देता है, उसको ताकत देता है, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, समाज ने, क्योंकि समाज बहुत ठगा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, समाज ठगा गया तो इसलिए वो इंतजार करता है, टेस्ट करता है कि कहीं ये आदमी धोखेबाज तो नहीं, किसी का भेजा हुआ तो नहीं, कोई लालची आदमी तो नहीं। ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये देखिए, शायद आपको समझ आए कि ये पैसा गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज में, जिसके अंदर इतना बल है जो किसी के हाथ फैलाने से अच्छा अपनी लड़ाई अपने पेट काट के लड़ने में ज़्यादा वो करते हैं। ये देखिए, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसी प्यार, इसी आशीर्वाद ने, और जो गांव से मुझे अस्पेश नगीना में मेरी माओ ने, जो मेरी केतली में मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, मैं इस ऋण को इस जन्म में तो नहीं चुका सकता। बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत तरह के प्रयास किए जाएंगे, बहुत झूठ फैलाया जाएगा, तमाम ऐसे मुसीबतें मेरे आगे डाली जाएंगी, मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं वचन देख कहता हूं, जिस दिन मुझे गोली लगी, जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मैंने अपनी सारी खुशियां, सारे व्यक्ति के सपने उठा के रख लिए, और मैंने तय किया कि अब मेरा जीवन जो है, ये जो महापुरुषों ने मुझे दिया है, ये गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का एक एक क्षण लगा दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ अपने साथियों को, लेकिन उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं टीचर जो होता है वो अपने बच्चों में, जो जिन बच्चों को पढ़ाता है उनमें उम्मीद करता है कि उनसे बेहतर, उनकी गलतियों पर डांटता है। माँ बाप भी डांटते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा उनका बुरा चाहते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बेहतर हो, उनके जीवन में कोई मुसीबतें ना आए।
तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। किसी का मेरी वजह से मन दुखा हो मैं उससे माफी चाहता हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं माफी मांगने में। जिसका भी मेरी वजह से अपमान हुआ या जिसको मेरी वजह से जो है कोई पीड़ा हुई, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। आज नहीं, आज से पहले जब भी कभी हुए, इस चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले जिसको भी मेरी वजह से पीड़ा हुई है, मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको वचन दे कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में है, संविधान को छू भी नहीं पाएगा, बदलना तो बहुत दूर की। अगर अपने खून से, खून का कतरा चुका चुका के संविधान को बचाना पड़ा, तो मैं विश्वास से दिलाता हूँ कि मैं चुकूंगा नहीं, अपने खून का कतरा कतरा चुका दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपका हूँ, भरोसा करो, मुझे लड़ने की ताकत दो मेरे बहुजन समाज के लोग। जिस तरह आपने मुझे नगीना में इज्जत दी है, एक बार मेरा साथ दे के देखो और मुझे कलम की ताकत दो, मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय संविधान ने राजनीतिक शक्ति कितनी मजबूत बनाई है, उसके जरिए क्या 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 हो सकता है। मैं भावुक हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर मैं विश्वास से कहता हूं जब तक मैं हूं जो भी बेहतर कर सकता हूं उसके लिए लड़ूंगा। और मैंने कभी पद प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ आपसे प्यार और आशीर्वाद सहयोग इसलिए मांगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की। बहुत सारे मीडिया के मेरे साथी, उन्होंने मेरी मदद की, भाई नीरज जी ने, भाई छोटे भाई विशाल ने, निरंजन ने, अंजुल ने और भी तमाम साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबकी मदद का अभिलाषी हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की। और जिन लोग हमारे नेता है नगीना के, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करो, थोड़ा सा समय ये काम खत्म करके फिर आता हूँ, जहां मैं आपको मेरी जरूरत होगी वहां खड़ा मिलूंगा। किसान भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, मेरी गरीब परिवार के लोगों, मेरी माओ बहनों, हमेशा आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। और जहां मुझे आवास मिलेगा वो 24 घंटे खुला रहेगा उसके दरवाजे आप सबके लिए। मुझे कुछ नहीं लेके जाना यहाँ से, ना मैं बहुत सुख सुविधा चाहता हूँ, मेरे परिवार को दो रोटी मेरी गैर मौजूदगी में मिलती रहे बस। लेकिन मैं आपको इस गरीबी बेबसी में नहीं देखना चाहता, ज्यादा जो जाति सहते देखना चाहता। आप हर बहन बेटी इज्जत रखती है, उसके साथ अपमान नहीं देखना चाहता। हम भी चाहते हैं कि हमें सम्मान की जिंदगी मिले, घोड़ी पे बैठने, मूछे रखने, मटके छूने पे किसी की हत्या ना हो, किसी की बारात ना रोकी जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी पे पेशाब ना किया जाए। आपने मेरे कहे से देश भर में विपक्ष को जिताने का काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब इस प्यार आशीर्वाद को बना के रखिए। मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी कहता हूँ हाथ जोड़ के, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, आप मुझसे बैठ के चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए मेरे साथ बैठ के, कैसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आपका साथ महापुरुषों का सपना पूरा करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं कोई नौकरी नहीं करता, ना मैं कोई बिजनेस करता, ना मेरी कोई दुकान फैक्ट्री है, मैं बस 24 घंटे सात दिन ये काम करता हूँ। रात को दो दो तीन तीन बजे तक जाग के सोचता हूँ किस तरह से महापुरुषों का सपना पूरा। और मैंने क्या नहीं सहा, व्यक्तिगत अपमान, गालियाँ, माँ को, बहन को, परिवार को, तमाम मेरे साथियों को, मेरे शुभचिंतकों को, क्या क्या नहीं सहा। लेकिन उनसे नहीं मैं डरता हूँ कि जब मैंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी उन सब चीज़ों क्या असर है मेरे पास। चिकना घड़ा देखा आपने, कुछ ही फेंक दो आप उतर जाएगा उसके ऊपर। लेकिन मेरे त्याग तपस्या को आप, मैं जो दूसरी पार्टी जोड़े उनको भी कहना चाहता हूँ, जब आप मेरी जगह होते तो शायद आपको एहसास होता कि मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों जाता था दूसरे लोगों के यहाँ। चाहता था कि महापुरुषों का मिशन भी बचा रहे, और मैं ये भी चाहता था कि ये जो तानाशाही सरकारें हट जाएं। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि जमीनी नेता कैसे होता है, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि सच में कितनी शक्ति होती। आपने मुझे आशीर्वाद सहयोग दिया, मेरी माओ बहनों, मेरी छोटी बहनों, बच्चियों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे साथियों, और दूर से दुनिया में रहने वाले मेरे साथियों रोहित और तमाम भाई जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ खड़े होने वाले हर साथी का धन्यवाद। जब तक जीवन है आपका है, जीवन ना रहे तो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मृत्यु का टल सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन है कोशिश करूंगा कि इसी जीवन में महापुरुषों का सपना आपके साथ मिलकर पूरा करूँ।
इस देश में मानवता का राज आए, इसमें देश में ये समता मूलक समाज बने। मैं आरोपों की परवाह नहीं करता, कितने आरोप आज तक भी लगाए गए, मैं आरोपों की परवाह नहीं करता, बस ये चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले काम करने का। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और कुदरत की, प्रकृति की अनुकंपा आप सब लोगों को बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन माओं को भी नमन जिनके बच्चों ने इस आंदोलन में बहुत सारी भागीदारियां दी। देश भर में बहुजन आंदोलन में अनेक अनेक संगठनों काम करने वाले लोगों ने बहुत मुसीबतें सही। 2 अप्रैल के आंदोलन मुझे याद है, और जब जब अन्याय हुआ कहीं तो भीम आर्मी के लोगों ने जिस तरह जेलें काटी, लाठियां खाई, इस तरह उन पर जुल्म हुआ, मुझे एक एक चीज याद है, मैं भूला नहीं हूं। लेकिन मैं बदले की नहीं, बदलाव के लिए लड़ रहा हूं, कि बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आपके बीच हूंगा, अन्य सभी स्टेटों में आऊंगा, सभी जिलों में जाऊंगा, आपके साथ बैठकर मिलकर संगठन बनाएंगे, भाजपा से ताकतवर और आरएसएस की तरह भीम आर्मी को बहुत ताकतवर करेंगे और मिलकर इस आंदोलन को, महापुरुष सपनों को पूरा करेंगे। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।